Hi everyone, welcome back to See Your Dreams. I am Soumya and this is the video number 12 of your chapter 1 of EIS. So in last video we have discussed the control topic and maine aap log ko internal control bhi bata diya tha. I skipped to tell you ye wala jo aapke points hain ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. ये आप अगर पॉसिबल हो तो एज़ इट इज़ लर्न कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. एंड ये इंटरनल कंट्रोल वाला जो टॉपिक है, ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट हो गई हूँ बिकॉज़ जो कंट्रोल्स में मैंने आप लोग को बता दिया था उसी का ही मेजर डेटा इसमें रिपीट हो रहा था. तो इसलिए आप इसको एक बहुत अच्छे से थोरो रीडिंग करेंगे, अपनी तरफ से आप लोग नोट्स बनाएंगे, इसके पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे एंड ये टॉपिक जो है इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए मेरी तरफ से, बिकॉज़ मैंने पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस किया था एंड मई 18 और नवंबर 18 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट शायद मई 18 में ही इंटरनल कंट्रोल का एक आई गेस 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया है. तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वैसे तो कोई पैटर्न का यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनी पैटर्न ऑफ ICAI, बट या इफ़ यू फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए. तो इसलिए ये पॉइंट्स के जो ये जो टॉपिक है इसके पॉइंट्स आप लोग प्रिपेयर कर लेना एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. मैं जब इसका रिवीजन वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसको डीपली कंसीडर कर लूँगी. तो आज के टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड साथ ही में मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसका भी मैं थोड़ा पोर्शन इसमें कवर कर दूँगी. सो ऐसे 315 ये ऑलरेडी आप लोग का ऑडिटिंग में है, जिसने अभी तक ऑडिटिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप लोग इस हिस्से को डीपली उसमें पढ़ोगे. तो ये बेसिकली क्या था कि हम बिज़नेस के एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, राइट. तो इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल के, ठीक है. 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल एज दे रिलेट टू अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. तो ये जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था उसी का ही कंपोनेंट्स हैं. अब देर आर 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़. ये आप लोग ऐसे कंट्रोल 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 करके पढ़िए फिर ये दो, ठीक है. कंट्रोल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर क्या होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी. एक्टिविटीज़ को क्या करा जाएगा, देखा जाएगा. देखा जाएगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड साथ ही में उस जो भी आप लोग की मॉनिटरिंग होगी उसके साथ में कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होगा. इसका आप लोग कैसे याद करेंगे, 5 कंपोनेंट्स आपका कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है, तो कंट्रोल कुछ भी हुआ एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना. तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं. देखना मतलब क्या हो गया, मॉनिटर करना. फिर अब उसमें क्या होता है, फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का और कम्युनिकेशन होता है एंड साथ ही में उन एक्टिविटीज़ में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है. तो हमारा पहला कॉम्पोनेंट हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकेंड हो गया हमारा कंट्रोल एक्टिविटीज़, थर्ड इज़ योर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, फोर्थ इज़ योर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड साथ ही में उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है तो रिस्क असेसमेंट. इसी सीक्वेंस में हम लोग इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ योर एनवायरनमेंट. सो द कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, सेट है स्टैंडर्ड्स का, प्रोसेसेस का, स्ट्रक्चर्स का, स्टैंडर्ड्स का, प्रोसेसेस का, स्ट्रक्चर्स का, दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो एनवायरनमेंट है, अब आपका जो नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होता है, एयर होती है, वाटर होता है, लैंड होता है. इस तरह से आप लोगों ने बचपन में साइंस में पढ़ा होगा ना कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ बात हो रही है हमारे बिजनेस की. अब बिजनेस में आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं एंड आपके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या नाम दे दिया, उन्होंने स्टैंडर्ड्स दे दिया है एंड प्रोसेसेस होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो स्ट्रक्चर्स हो गए, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस और स्ट्रक्चर क्या करते हैं, एक बेस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को जिससे उनका इंटरनल कंट्रोल अच्छे से हो. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई करता है. अब वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर हैं, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में वही सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि एक बेसिस हो जाता है इंटरनल कंट्रोल को कैरी करने का. अब इंटरनल कंट्रोल मैंने आप लोग को बताया था टॉप अथॉरिटी बेसिकली सेटअप करते हैं क्या क्या, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर. तो ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का जो मेन एक्सेस होता है, जो मेन कंट्रोल होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का, मतलब एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने का एक्सेस टॉप अथॉरिटीज़ के पास होता है.
तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो सीनियर मैनेजमेंट हैं वो क्या करते हैं, एक टोन सेट कर देते हैं एट द टॉप रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. एक टोन सेट कर देते हैं रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इसमें जो लर्न करने वाला पार्ट है वो यहाँ तक है. इसमें आपके कीवर्ड्स क्या क्या हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस स्ट्रक्चर्स. क्या क्या, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स. एंड जहाँ पे भी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल बात हो रही है तो वो किसके बात करेंगे, इंटरनल कंट्रोल की ही करेंगे, है ना. तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो सीनियर मैनेजमेंट हैं ये टोन सेट कर देते हैं इम्पोर्टेंस के लिए, मतलब जिससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है उसमें इंटरनल कंट्रोल हो. अब उसमें क्या आते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. जो स्टैंडर्ड्स की बात यहाँ हो रही थी उसी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट. फिर मैनेजमेंट री इन्फोर्सेस एक्सपेक्टेशंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो क्या करती है, री इन्फोर्स करती है एक्सपेक्टेशन हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के. अब स्टैंडर्ड आप किसको बोलते हो, लेमैन लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो कि मेरा बहुत हाई स्टैंडर्ड है, मैं बहुत हाई क्लास का हूँ. तो मतलब क्या कि आप किसी तरह से अपने इनकम लेवल पे या अपने लाइफस्टाइल के लेवल पे किसी तरह पे मतलब उसको एक बेस बनाते हो अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि नो दिस इज़ नॉट ऑफ माय स्टैंडर्ड, ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है. लाइक आप लोग कई सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोग कहते हो नॉर्मली यूज़ करते हो कि ये मेरे स्टैंडर्ड का है और ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है. तो वो जो स्टैंडर्ड है वो आप किस बेसिस पे करते हो, या तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकती है या उस प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है ना. तो इसी तरह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. हो सकता है कि उसकी क्वालिटी हो, मतलब उसका कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका कुछ स्टैंडर्ड होता हो क्वालिटी का, तो उसको सेट करने के लिए तो वो वेरियस लेवल्स पे क्या कर सकती है, उसको सेट करती रहती है वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अपने स्टैंडर्ड्स को. द कंट्रोल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और साथ ही में एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी. पहले दिन से मैं आपको बताती आ रही हूँ इंटीग्रिटी का मतलब कोऑर्डिनेशन, समझने के लिए ये कोऑर्डिनेशन, राइट. एंड एथिकल वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन में बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होना चाहिए एथिक्स का, मतलब आप तमीज़ से बात करोगे एंड आपकी एक्टिविटीज़ भी डिसिप्लिन में होनी चाहिए. द पैरामीटर्स इनेबलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कैरी आउट इट्स गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एंड पैरामीटर्स इनेबल करते हैं जिससे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट कर सकते हैं. एंड येस, मैं जो भी एग्जाम्पल्स यूज़ करती हूँ, लाइक मैंने आपको इससे पहले दूध वाला एग्जाम्पल दिया था, बेकरी वाला और वो सब एग्ज़ाम में मत लिखाना. वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिससे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ. आपको एग्ज़ाम में जो भी लिखना है वो एग्ज़ाम्पल्स आप लिख सकते हो जो आपकी बुक में दे रखे हैं, या फिर आप कुछ स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्पल्स लिखो, या एग्ज़ाम्पल्स मत लिखो अगर नहीं लिखना है तो. बुक की लैंग्वेज लिखो, मतलब लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए. वो सब मैं आपको इसलिए बताती हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इससे पहले मैंने जो पिक्चर्स यूज़ करी थी वो भी कोई एग्जाम्पल एग्ज़ाम में यूज़ नहीं होना है. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो मतलब ये पैरामीटर सेट कर देती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का. बहुत ही यूजलेस सी लाइनें हैं. द प्रोसेस फॉर अट्रैक्टिंग डेवलपिंग एंड रिटेनिंग कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स. द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग डेवलपिंग एंड रिटेनिंग कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स एंड द रिगर अराउंड परफॉर्मेंस मेजर्स इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स टू ड्राइव अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस. अब कुछ भी आप अट्रैक्ट होते हो, आप मार्केट जाते हो, सेल 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 50% 40%. तो आप लोग अगर बॉयज़ हो तो नहीं, बट ये फीमेल्स में जनरली होता है, स्पेशली मम्मा लोगों में तो बहुत ही होता है कि इतनी सेल लगी है तो एक बार जाके देख लेते हैं, हो सकता है कि अच्छा मिल जाए, कम प्राइस पे मिल जाए. तो वो जो सेल वेल के बोर्ड होते हैं बड़े बड़े, वो क्यों होता है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारी तरफ. सिमिलरली अगर आप लोग के वैसे कोई टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बट अगर किसी टीचर ने ऐसी टेस्ट सीरीज़ निकाल रखी होती है जिसमें वो आपको रिवॉर्ड प्राइस देते हैं, कैश प्राइस देते हैं, तो उससे क्या होता है, आप लोग अट्रैक्ट होते हो, आप लोग मोटिवेट होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हो. तो इसी तरह से जो प्रोसेस होता है अट्रैक्ट करने का, डेवलप करने का और रिटेन करने का कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स, कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल, इंडिविजुअल्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड रिगर
राउंड परफॉर्मेंस मेजर्स इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स टू ड्राइव एंड उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी पता लगती है परफॉर्मेंस की. द रिजल्टिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट हैज़ अ परवेसिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. परवेसिव और कंक्लूसिव दो टर्म्स होते हैं. कंक्लूसिव का मतलब वहीं एंड हो गया, कंक्लूड हो गया. परवेसिव का मतलब क्या होता है, जो कैरी फॉरवर्ड होता है. इसको आप लिख लो, परवेसिव का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड. तो अब आप जिसके अंदर काम कर रहे हो या आपका इन्वायरमेंट है, अगर यही आपका सही नहीं होगा तो क्या अंदर की कोई भी एक्टिविटी अच्छी हो पाएगी? ऑब्वियसली नॉट. तो इसलिए इसका पूरा का पूरा जो भी इंटरनल कंट्रोल है उस पर परवेसिव इम्पैक्ट होता है. ओके ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट ओवर हो गया. इस पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया बिकॉज मेरे को ये इंपॉर्टेंट लग रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ होते हैं. सो वी विल मूव ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़. तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्शंस होते हैं जो कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स से इस्टेब्लिश होते हैं दैट हेल्प इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स टू मिटिगेट रिस्क. मिटिगेट का मतलब क्या होता है? रिस्क को कंपैरेटिवली कम करना. यू कैन नॉट एलिमिनेट रिस्क बट यू कैन लोअर द लेवल ऑफ रिस्क. तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऐसी एक्शंस होते हैं जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो हमारे पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हमारे बने थे एनवायरनमेंट के अंदर. एंड इससे क्या होता है, हम ऐसे एक्शंस करने हैं जिससे कि जो हमारे मैनेजर मैनेजमेंट के डायरेक्टिव्स हों, डायरेक्शंस हों रिस्क को कम करने के लिए. वो हमारे ऐसा ना हो कि सिर्फ रिस्क ही कम हो रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो भी कैरीड आउट हों. आई डोंट रिमेंबर कौन सी वीडियो थी बट किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि गोल्स ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है. अब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए. लाइक अगर आप किसी बिजनेस फर्म की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको ऑब्जेक्टिव हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना. बट अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो तो मैक्सिमम होना ही चाहिए. साथ में ये भी हो सकता है कि वो कंपटीशन जो इतनी सारी कंपनीज़ के बीच में है उसमें सबसे ऊपर रहना चाहते हो, तो उनके लिए उनका ऑब्जेक्टिव वो हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव डिफर कर सकता है. तो ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं जो एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ आप उन टर्म्स में उसको वहाँ कंसिडर करिए. ओके, फिर कंट्रोल एक्शंस जो होते हैं वो सारे लेवल्स पे परफॉर्म होते हैं. एक्शंस या एक्टिविटीज़ तो ऑब्वियसली टॉप पे भी होंगी, मिडिल पे भी होंगी, लोअर पे भी होंगी. आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, मुझे और बोर्ड्स का तो आइडिया नहीं, वैसे पढ़ा ही होगा, ऐसे करके कुछ पढ़ा होगा, टॉप मिडिल लोअर ऐसे करके एक पिरामिड टाइप का था. तो वो क्या बताता था कि क्या क्या लेवल्स होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की. तो ये हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये सारी ही इन एंटिटीज़ पे होता है एट वेरियस स्टेजेस विद बिजनेस प्रोसेसेस. साथ ही में बिजनेस प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में सारे ही लेवल्स पे होते हैं क्या एक्शंस, है ना. फिर दे मे बी प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव इन नेचर. ये प्रिवेंटिव भी हो सकती हैं और डिटेक्टिव भी हो सकती हैं. अब एक कोट है, कौन सा कोट है, या प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना. तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का क्या मतलब हुआ कि हम लोग अपनी तरफ से ही ऐसे मेजर्स ले लें, इंसेंटिव्स ले लें कि जिससे कि हमें वो बीमारी हो ही ना. ये बेसिकली मेडिकल का कोट है, मेडिकल टर्म्स में इसको मेजर किया जाता है. जिससे हम बीमारी को बच रहे, तो हम ऐसे प्रिकॉशंस ले लें जिससे कि हमें वो बीमारी हो ही ना. तो प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि हम अपने बिजनेस के जो हमारे पास में फ़ंड है उसको हम ऐसे मैनेज करें कि अगर हैवी लॉस भी आ जाए तब भी हम उसको आराम से फेस कर पाएँ. तो वो तो हमारा हो गया प्रिवेंटिव. एंड डिटेक्टिव का क्या मतलब हो गया, हमने अपने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ वगैरह डिज़ाइन करी, हमने ऐसे सर्वेज वगैरह कराए जिससे कि हमने डिटेक्ट कर लिया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या लॉस हो सकता है. तो ये जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ये सब एक्टिविटीज़ ही तो ही, सर्वे करना या फंड को मैनेज करना, तो ये सब एक्टिविटीज़ ही तो ही. तो ये प्रिवेंटिव भी हो सकती हैं और डिटेक्टिव भी हो सकती हैं. ये जो मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट करें तो ये हो गया एक्शंस एस्टैब्लिश थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव. ये हमारे दो इंपॉर्टेंट लाइन है.
and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and saath hi mein isme manual or automated jo last video mein bhi discuss kiya tha manual matlab without computer and automated matlab with the help of computer system to uske saath hi mein ye jo hamare actions hai isme authorizations aa sakte hain approvals aa sakte hain verifications reconciliations and business performance reviews ये सब हमारे कंप्राइज करेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोग हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव और रेंज ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑथराइजेशन वेरिफिकेशन रिकन्सिलेशन ये सब लिख लेना फिर उसके बाद में हमारे इसमें ही कंट्रोल एक्टिविटीज़ में थ्री टर्म्स दे रखे हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ जो होता है असाइनिंग डिफरेंट पीपल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड मेंटेनिंग कस्टडी ऑफ एसेट्स सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना हमने जो ड्यूटीज़ हैं उनको अलग अलग बांट दिया डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बांट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑथराइज करने की तुम ऑथराइज करना तुम रिकॉर्ड करना तुम मेंटेन करना कस्टडी ऑफ एसेट्स सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ये टर्म आई डोंट थिंक कि मुझे इतना डीपली डिस्कस करना चाहिए तो ये मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ Segregation of duties is intended, ये क्यों होता है? To reduce the opportunities to allow any person to be in a position in to both perpetrate and conceal errors or fraud in the normal course of the person's duties. इसका example देती हूँ मैं अब जैसे कोई school है तो उसमें वही principal है वही पढ़ा रहा है वही सारा administration देख रहा है ना तो उससे क्या होगा कि सारी जो भी उसके स्कूल के एक्टिविटीज़ हैं वो सब उसकी मर्ज़ी से होंगी अब चांसेस ये भी हैं कि जो स्कूल का फ़ंड हो जब वही एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ देख रहा है वही पढ़ा रहा है तो उससे वो क्या कर सकता है उस फंड को वो अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकता है एंड कुछ और दिखा देगा स्कूल फंड में कम फंड दिखा देगा तो मतलब एरर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर एक ही पर्सन के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इसलिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग अथॉरिटीज़ दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे एंड ड्यूटीज़ को सेपरेट कर देंगे जिससे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन बनेगा एंड उससे जो होंगे वो एरर्स वगैरह के चांसेस कम हो जाएंगे तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज टिपिकली बिल्ट इनटू द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ जहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज नॉट प्रैक्टिकल मैनेजमेंट सेलेक्ट्स एंड डेवलप्स अल्टरनेटिव कंट्रोल एक्टिविटीज़ ये प्रैक्टिकल नहीं होता इसमें क्या होता है मैनेजमेंट खुद ही सेलेक्ट करता है एंड डेवलप करता है अल्टरनेटिव कंट्रोल एक्टिविटीज़ को तो ये जो इट इज़ टिपिकली बिल्ट इनटू द सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट खुद ही सेलेक्ट करता है एंड अकॉर्डिंगली ही डेवलप करता है कंट्रोल एक्टिविटीज़ को फिर उसके बाद में जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं तो ये तो हमारा हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ ये भी हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर ही आ रहा है ठीक है जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं इंक्लूड कंट्रोल्स ओवर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जनरल कंट्रोल्स तो यही सब हो गए कि इन सारी चीज़ों पर हमारे कंट्रोल है दीज कंट्रोल्स अप्लाई टू ऑल सिस्टम्स फ्रॉम मेन फ्रेम टू क्लाइंट सर्वर टू डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स जनरल कंट्रोल्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं यही है इंपॉर्टेंट आईटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स एड्रेसिंग द आईटी oversight process monitoring and reporting information technology activities and business improvement initiatives तो ये सब बेसिकली हमारे information technology के साथ ही control होते हैं as such इसमें समझाने जैसा मुझे कुछ नहीं लगा इसको आप लोग learn कर लेना and यही four lines हैं जो important है एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या होते हैं आर डिज़ाइन टू इंश्योर कम्प्लीटनेस एक्यूरेसी एंड ऑथराइजेशन ये कंट्रोल्स इसलिए होते हैं जिससे कि इंश्योर हो कम्प्लीटनेस एक्यूरेसी और ऑथराइजेशन किसमें डेटा में और उसकी वैलिडिटी में तो हमारे जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं वो तो ड्यूटीज़ को सेपरेट करना जनरल कंट्रोल्स क्या होते हैं कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है मतलब ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है उसके ऊपर कंट्रोल फ्रॉम मेन फ्रेम टू क्लाइंट सर्वर टू डेस्कटॉप कंप्यूटिंग एनवायरमेंट्स इन सब के ऊपर कंट्रोल होता है ये भी इंपॉर्टेंट है एंड जो एप्लीकेशन कंट्रोल है वो डेटा की कंप्लीटनेस एक्यूरेसी वैलिडिटी वगैरह पे होता है डेटा कैप्चर एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसेस डेटा कैप्चर एंड ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इंडिविजुअल एप्लीकेशन में रिलाई ऑन इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स ओवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम टू इंश्योर दैट इंटरफेस डेटा आर जनरेटेड व्हेन नीडेड सपोर्टिंग एप्लीकेशंस आर अवेलेबल एंड इंटरफेस एरर्स आर डिटेक्टेड क्विकली तो इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो हैं वो रिलाई कर सकती हैं इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स में टू इंश्योर दैट इंटरफेस डेटा आर
जनरेटेड व्हेन नीडेड, इंटरफेस डेटा तभी जनरेट हो जा रहे हैं जब उनकी ज़रूरत है। मतलब बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन को कंट्रोल करना कि जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे जब हमें डेटा चाहिए हमें तब मिल जा रहा है, एंड साथ ही में हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है और वैलिड है। सपोर्टिंग एप्लीकेशंस आर अवेलेबल एंड इंटरफेस एरर्स आर डिटेक्टेड क्विकली, एंड हमारे एरर्स वगैरह भी क्विकली डिटेक्ट हो पा रहे हैं। तो ऐसा कंट्रोल जिससे ये सब हो पाए, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड कंपोनेंट भी कंप्लीट हो गया। मैंने सोचा था ये वाला भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, बट ये वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगा। अभी हम लोग इसमें लिमिटेशंस एंड कंपोनेंट्स करके ही ओवर कर देते हैं। फिर हमारा थर्ड वाला है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, तो ये हमारा लास्ट में है। ये रहा मॉनिटरिंग कंट्रोल्स करना, मतलब मैंने आप लोगों को बताया था हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं, अब वो तो हो गया आपका जो शॉर्ट में मैंने बता दिया। एक्चुअली मॉनिटरिंग क्या होता है, ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस, बेसिकली इवैल्यूएशंस, इवैल्यूएशंस, ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस, सेपरेट इवैल्यूएशंस और सम कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मतलब जब काम हो रहा है तब इवैल्यूएट करना, जब काम हो चुका है तब सेपरेटली इवैल्यूएट करना, या कॉम्बिनेशन दोनों का। आर यूज टू एसर्टेन वेदर ईच ऑफ द फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग कंट्रोल्स टू अफेक्ट द प्रिंसिपल्स विद ईच कॉम्पोनेंट आर प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग। तो ये देखना कि जो हमारे फाइव कॉम्पोनेंट्स हैं आई सी के वो सारे हैं या नहीं हैं, एंड प्रेजेंट हैं एंड फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। ongoing evaluations built into business processes at different levels of entity provide timely information. ongoing evaluation से क्या होता है, हमें सारे के सारे entities की सारे के सारे levels की बारी बारी हमें, मतलब time to time हमें information progress के बारे में पता लगता रहता है। but separate evaluations क्या होते हैं, periodically होते हैं, ये time to time होते हैं timely information के लिए, and ये periodically होता है, जैसे monthly हो गया, quarterly हो गया, yearly हो गया। तो विल वेरी इन स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनगोइंग इवेल्यूएशंस। ये सेपरेट इवेल्यूएशन है, ये वेरी करता है एक तो रिस्क असेसमेंट पे, एंड साथ ही में जो हमारी ऑनगोइंग इवेल्यूएशंस की इफेक्टिवनेस है उसके ऊपर, एंड अंडर मैनेजमेंट कंसिडरेशन के ऊपर कि आपको सेपरेट एविडेंस जो है वो कैसे करना है, किस टाइप से आपको, किन पीरियड्स में आपको करना है, मीन्स आपको क्वार्टरली करना है, आपको मंथली ही करना है या वीकली ही करना है, तो वो इन सब मैटर्स पे डिपेंड करता है। फाइंडिंग्स आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट मैनेजमेंट्स क्राइटेरिया एंड डेफिशिएंसीज आर कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज अप्रोप्रिएट। तो ये जो है ये कम्युनिकेट होती हैं, मैनेजमेंट्स क्राइटेरिया एंड डेफिशिएंसीज आर कम्युनिकेटिंग टू मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा भी अप्रोप्रिएट होता है दोनों में से किसी एक को कम्युनिकेट हो जाती है। फिर हमारा क्या था, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर द एंटिटी टू कैरी आउट इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सपोर्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इन्फॉर्मेशन क्यों नेसेसरी है, जिससे कि कैरी हो पाए इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सपोर्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑब्टेन्स और जनरेट्स एंड यूजेस रेलिवेंट एंड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट क्या करती है, रेलिवेंट और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, जिससे कि जो हमारे अदर फंक्शंस हैं वो भी कंट्रोल हो पाए। आपके पास में इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप कैसे अपना जो है फंक्शनिंग करोगे, राइट। तो वही है, हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो नेसेसरी है। फिर इज इट क्लोज्ड, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है जिससे कि हमारी इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी हों, एंड जो मैनेजमेंट है वो क्वालिटी एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेम करती है, जिससे कि हमारे अदर कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी फंक्शन कर पाते हैं। एंड कम्युनिकेशन क्या होता है, कंटिन्यूअल आइटरेटिव प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूअल मतलब कंटिन्यू प्रोसेस रहता है ये, एंड इटरेटिव प्रोसेस ऑफ, जिससे कि हम शेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ हाउ इन्फॉर्मेशन डिसमेंटेड थ्रू द एंटरप्राइज फ्लोइंग अप डाउन एंड अक्रॉस द एंटिटी। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि कैसे वो डिसमिनेट हो रही है, मतलब ऊपर नीचे जा रही है या अक्रॉस द एंटिटी जा रही है,
तो एंटिटी के अंदर ही अंदर हो रहा है तो इंटरनल कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है, इट इनेबल्स पर्सनल मतलब मैनेजमेंट टू रिसीव अ क्लियर मैसेज फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट दैट कंट्रोल एक्टिविटी शुड बी टेकिंग सीरियसली। पर्सनल मतलब हो गया जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इंटरनल कम्युनिकेशन से क्या होता है, इट इनेबल्स पर्सनल जिससे कि उन्हें मैसेज मिल जाए सीनियर मैनेजमेंट से दैट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकिंग सीरियसली। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब बेसिकली टॉप मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच का होता है कि आप जो भी इंटरनल कंट्रोल है उसको सीरियस ले लीजिए, तो इंटरनल कम्युनिकेशन उसके लिए होता है। एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये टू फोल्ड होता है। इट इनेबल्स इनबाउंड कम्युनिकेशन ऑफ रेलिवेंट एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से चाहिए एंड जो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर तक पहुँचानी है, तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आई डोंट थिंक ये ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए मुझे, बिकॉज ये बहुत ईजी टॉपिक है। फिर उसके बाद में रिस्क असेसमेंट, तो हमारा लास्ट कंपोनेंट है रिस्क असेसमेंट। एवरी एंटिटी फेस अ वैरायटी ऑफ रिस्क, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क ये भी हो सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो गलत तो नहीं है। तो रिस्क में भी डिफाइंड एज द पॉसिबिलिटी दैट एन इवेंट विल अकर एंड एडवर्सली अफेक्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क क्या है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो इवेंट है वो अकर होगा एंड साथ ही में वो एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था रिस्क वाले वीडियो में कि जब भी हम रिस्क की बात करते हैं हम प्रूडेंस प्रिंसिपल पे चलते हैं, मतलब रिस्क है तो ऑब्वियसली दोनों ही चांसेस हैं, हमारी जो एंटिटी है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। बट हम लोग क्या लेके चलते हैं, हम ये लेके चलते हैं कि हमने रिस्क लिया और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ऑब्जेक्टिव को ये एडवर्सली अफेक्ट कर दे। तो रिस्क क्या है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो अगर हो जाएंगी तो हमारी जो एंटिटी है उसको एडवर्स इफेक्ट दे सकती है। रिस्क असेसमेंट क्या होता है, उसी को ही असेस करना, उसको ही देखना या फिर प्रेडिक्ट करना। रिस्क असेसमेंट मतलब, मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा जो मुझे यहाँ यूज़ करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है डायनामिक एंड आइटरेटिव प्रोसेस। हाँ, आइडेंटिफाई करना। रिस्क असेसमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा ये डायनेमिक प्रोसेस है जिसकी हम आइडेंटिफाई करते हैं, असेस करते हैं रिस्क टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रिस्क टू अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम अक्रॉस द एंटिटीज आर कंसिडर्ड रिलेटिव टू इस्टेब्लिश रिस्क टॉलरेंसेज। एंड उसी के बेसिस पे हम रिस्क टॉलरेंसेज का मतलब हो गया रिस्क एपिटाइट, जो मैंने एक पूरा वीडियो में डिस्कस किया है। एपिटाइट का मतलब क्या था, जो कैपेसिटी बियर करने की है रिस्क। तो रिस्क असेसमेंट बेसिकली क्या है, आइडेंटिफाई करना और असेस करना रिस्क को टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंड रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अक्रॉस द एंटिटी आर कंसिडर्ड रिलेटिव टू इस्टेब्लिश रिस्क टॉलरेंस, या इसको हम रिस्क एपिटाइट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिफाई करना एंड फिर हमें तैयारी करनी होगी कि ठीक है रिस्क क्या अगर इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिवली तो हम इसकी तैयारी करनी होगी। तो हम क्या कर लेते हुए चलेंगे, अपने अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर अगर कोई रिस्क है, अगर हमारे जो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव हैं वो किस तरह से हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट कर सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको असेस कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, अकॉर्डिंगली उसके लिए एक्शंस प्लान करेंगे। तो ये हमारे हो गए 5 कंपोनेंट्स इंटरनल कंट्रोल के। फर्स्ट क्या था, कंट्रोल एनवायरनमेंट, हमारा पूरा एनवायरनमेंट होता है उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। फिर रिस्क असेसमेंट होता है एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन होता है। फिर से अब हम लोग लाइंस नहीं बोलेंगे, जो हम लोगों ने मेरी टेक्निक बताई है वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट, सॉरी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। आप लोग भी इसी सीक्वेंस में याद करना। एंड जहाँ पे भी आप लोग को अगर डाउट लगे किसी भी पॉइंट में, किसी भी पैरा में, तो आप लोग कॉमेंट कर देना। मैं 2-3 वीडियोज़ के बाद में ही एक रिविजन वीडियो बनाऊँगी, उसमें पूरा मैं कवर कर लूँगी। अभी एक पैरा रह गया है, द रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ रिस्क विल बी मैनेज्ड। ये वही हो गया कि रिस्क असेसमेंट से क्या होता है कि हम रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। अ प्री कंडीशन टू रिस्क असेसमेंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिंक्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंटिटी। डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंटिटी के रिस्क पे जैसा भी है, तो ये प्री कंडीशन है कि हम उसको
रिस्क असेसमेंट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब असेसमेंट क्या है, हम इस टाइप से ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज़ पे. मैनेजमेंट स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव्स विद इन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशंस रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस विद सफिशिएंट क्लैरिटी टू बी एबल टू आइडेंटिफाई. सफिशिएंट क्लैरिटी जिसे हम एबल हों आइडेंटिफाई करने के एंड असेस करने के रिस्क टू दोज ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट क्या करता है, स्पेसिफाई कर देता है ऑब्जेक्टिव्स विद इन कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशन कि यही आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड यही आपको इसमें एक्टिविटीज़ करनी है रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस विद. साथ ही में वो क्या कर देता है, कंप्लायंस दे देता है विद सफिशिएंट क्लैरिटी, जिससे कि हमें सफिशिएंट क्लैरिटी हो कि यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ में रिस्क एसोसिएटेड हैं. ठीक है, एसेस का मतलब आप लोग समझ सकते हो असाइन करना, मतलब अलॉटमेंट, राइट. तो मैनेजमेंट पहले ही स्पेसिफाई कर देती है रिस्क असेसमेंट के थ्रू कि आपको ये रिस्क हो सकता है अपने ऑब्जेक्टिव के साथ में. रिस्क असेसमेंट आल्सो रिक्वायर्स मैनेजमेंट, और ये कैसे करती है वो रिस्क असेसमेंट के थ्रू, तो इससे क्या होता है, रिस्क असेसमेंट आल्सो रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड विद इन इट्स ओन बिजनेस मॉडल दैट मे रेंडर इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव. रिस्क असेसमेंट से मैनेजमेंट ये भी प्रेडिक्ट कर लेती है कि कैसे वो उसके खुद के बिजनेस को या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है एंड उससे क्या होगा, उसका इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव हो सकता है. तो मैनेजमेंट उसी अकॉर्डिंग क्या करती है, प्लान करती है एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंटिटी की ऐसी तैयारी करा देती है कि अगर कुछ रिस्क आ भी जाए तो वो उसको फेस कर पाए. जैसे हम लोग ही करते हैं कि टॉपिक के चांसेस कम हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि इसको पढ़ के चले जाते हैं, क्या पता ये ज़्यादा मार्क्स में पूछ लें. तो वो हो गया कि हम रिस्क को अपने असेस कर लिया एंड साथ ही में हम उसकी तैयारी करके चले गए. आई होप मैं आपको ये समझा पाई. एंड अगर आपको इतना सा भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो प्लीज़ आप वो मेंशन कर देना, मैं कवर कर दूँगी. फिर अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस पे एंड फिर हम लोग ये वीडियो एंड करते हैं. लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव बट कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विद ओनली रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस. ये टर्म्स भी आप ऑडिट में बहुत अच्छे से पढ़ोगे. रीजनेबल मतलब होता है हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, मतलब हाई तो है बट ज़रूरी नहीं, कन्फर्म नहीं है कि हो ही जाए. तो लगभग लगभग जो होता है ना वो होता है रीजनेबल. एब्सोल्यूट होता है बिल्कुल एब्सोल्यूट, इतना परसेंट, 100% या 10%, बिल्कुल श्योर वाला. रीजनेबल होता है लगभग लगभग, आस पास. ठीक है, तो अबाउट अचीविंग द एंटिटीज ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव्स. इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इफेक्टिव तो है बट ये सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस. ये सारा का सारा आपका ऑडिटिंग आ गया है इसमें. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं. इनहेरेंट लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, वो लिमिटेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनहेरिटेड हैं. लाइक आपके अंदर भी कई सारे आपके पेरेंट्स के ऐसे होंगे कि जैसे आपके पेरेंट्स कुछ एक्टिविटी करते होंगे वैसे ही आप करते होंगे, या हो सकता है कुछ ऐसी क्वालिटी हो तो आप लोग क्या बोलते हो, ये इनहेरिटेड है, ये मुझे मम्मा से मिली है, मुझे पापा से मिली है. तो वो इनहेरिटेड होती है जो इनबिल्ट होती है. तो मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट ऑफ एन IC डज नॉट एक्सीड. IC का मतलब इंटरनल कंट्रोल है. ओके, मैनेजमेंट कंसिडरेशन कि जो कॉस्ट है इंटरनल कंट्रोल की वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के साथ में डज नॉट एक्सीड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. जो इंटरनल कंट्रोल की कॉस्ट आ रही है वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट से अगर ज़्यादा हो रही है, मतलब हम जो कंट्रोल कर रहे हैं, हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं उसको कंट्रोल करने में, तो वो तो हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है उससे भी ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या है, नेगेटिव पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का. तो इसमें ये इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं कि कभी कभी जो हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी कॉस्ट हमारे बेनिफिट से भी ज़्यादा हो जाती है. फिर द फैक्ट दैट मोस्ट इंटरनल कंट्रोल्स डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट ट्रांजेक्शंस ऑफ अनयूजुअल नेचर. एंड ये भी फैक्ट है कि जो मोस्ट इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो डायरेक्टेड नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई हो सकते हैं जो यूजुअल नेचर के हो, वो अनयूजुअल नेचर पे अप्लाई नहीं हो पाते हैं. द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर सच एज ड्यू केयरलेस डिस्ट्रैक्शन मिस्टेक्स ऑफ जजमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन सबको भी कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है.
इंटरनल कंट्रोल्स में अगर वो ट्रांजेक्शन्स अनयूजुअल नेचर के होते हैं. फिर द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल टू कॉल्यूजन विद एम्प्लॉयज़ और विद पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी. अगर जो पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर जो आपका एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर के लोगों से मिल गए, आपको कोई गलत एम्प्लॉय हो गया, तो उसको पकड़ना भी इंटरनल कंट्रोल्स के बस की नहीं होती है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो किसी आउटसाइड पार्टी के साथ इन्वॉल्वड है. फिर ये भी पॉसिबिलिटी है दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग एन इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जिसको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, टॉप मैनेजमेंट के लोगों में से ही कोई फ्रॉड कर जाए, फॉर एग्जाम्पल अ मेम्बर ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइडिंग एन इंटरनल कंट्रोल, राइट? तो मतलब मैनेजमेंट के ही बंदे ने अगर आपको धोखा दे दिया तो भी आपका इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएगा. फिर अगर मैनिपुलेशंस कर दी मैनेजमेंट ने ट्रांजेक्शंस के अंदर या एस्टिमेट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम, तो भी आपका आईसी फेल हो जाएगा. तो ये कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जो आप लोग चाहें तो ये ऑडिट की बुक में ज़्यादा अच्छे से दे रखें, आप उससे भी पढ़ सकते हैं. ये पूरा आपका ऑडिटिंग का ही है कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यही एंड कर रहे हैं. एंड एक बार मुझे फिर से बता दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ आईसी क्या हैं. हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं तो कंट्रोल एक्टिविटीज़, फिर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. अब मैं इसके बाद में आपका ये वाला टॉपिक पूरा कराऊँगी. मुझे ये नहीं पता है कितनी वीडियोज़ तक जाएगा, जैसा भी मेरे पे टाइम होगा मैं उस अकॉर्डिंग बना दूँगी. एंड इस वाले टॉपिक के बाद में मैं जहाँ तक भी हम लोगों ने पढ़ा है वो उसका रिवीजन कराऊँगी. फिर आपका एक लास्ट वाला जो टॉपिक है जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बाकी मैं एक बार उसका एनालिसिस करूँगी एंड फिर हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे. जो फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है उसको मैं सेकेंड चैप्टर के बाद कराऊँगी, वो थोड़ा सेपरेट टॉपिक है एंड उसको थोड़ा डीपली डिस्कस करना सही रहेगा, ठीक है? तो उसमें जल्दबाजी नहीं करूँगी. जो मेरा 1.7 मैंने जो छोड़ रखा है उसको मैं जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसके बाद डिस्कस करूँगी. ओके, सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो आप लोग अपना फीडबैक एंड लाइक का बटन तो ज़रूर ही दबाना, बट साथ ही में मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि सिर्फ आप ही को बेनिफिट ना हो, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको भी बेनिफिट हो. एक वीडियो शेयर करने में आई डोंट थिंक कि आपका ज़्यादा डेटा यूज़ होगा, बट हो सकता है कि उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए. तो प्लीज़ हेल्प करना सीखिए, इससे आप लोग का भी अच्छा होगा. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो एंड आप लोग को अपडेट्स मिलती रहें वीडियो को. ओके, थैंक यू सो मच.